हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके चेकआउट करो। और जिन लोगों ने देख लिया वो लोग यार यहाँ से शुरू कर सकते। तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि माइकल यार किडनैप हो चुका है, स्लेंडर मैन किडनैप क्या हो चुका है, स्लेंडर मैन ने उसे रख लिया अपने पास, पता नहीं कैसे बेहोश करके रख लिया, और मैं तो दुम दबा के भाग के आ गया। बट देखने वाले कि आज हम लोग कैसे बच सकते हैं। और मैंने यार फोन भी लगाया ट्रेवर को कि भाई ट्रेवर भाई मदद कर दो, भाई माइकल मेरा किडनैप हो चुका है, वो फंस चुका है सिलेंडर मैन के पास, भूत के पास। तो वो उल्टा मेरे पे ही चौड़ा होने लगा, मेरे को बोलता और जाओ ढूंढो भूत ढूंढो, ये करो वो करो और जाओ फंसो। भाई मेरे को ही सुना रहा उल्टा। तो अब हम लोग जा रहे बचाने के लिए। तो यार तो मुझे तो नहीं पता कि हम लोग कैसे बचा पाएंगे, बट ट्राई जरूर करेंगे भाई, अपना ही दोस्त है। और भाई अगर मैं नहीं बचाऊंगा ना तो फिर पता नहीं उन लोग का जो घर वाला लोग होता है ना, माइकल का घर वाला लोग मेरे पे केस ठोक देगा कि तुम्हारे ही साथ ही गया था वो बंदा और वो तुम्हारी वजह से भुला गया, मेरे पे केस ठोक देगा, जिमी हो गया उसकी बेटी उटी सब मेरे पे केस ठोक देगी और मैं फिर चक्कर लगाता रहूंगा पुलिस स्टेशन का। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं उसको बचाऊंगा कैसे, और सिलेंडर मैन हमें क्यों मारना चाहता, मुझे ये तक नहीं समझ में आ रहा। मैंने हथियार उत्यार सब लेकर रखा है तब भी भाई बेवजह मेरे को फंसा हुआ, और मैंने यार खास ही वाली बाइक रखी है जबरदस्ती लेके आया हूँ मैं सीमन के स्टोर से, क्योंकि भाई ये बाइक बहुत ही फास्ट है और मैं जल्दी से जल्दी लेके आ सकता हूँ उसको। एक सेकंड, मैं जहाँ कहाँ रहूँ यार, मैं तो पहले लोकेशन तो लगा लूँ। बट ये बात तो सही है भाई, सिलेंडर मैन है बहुत ही खतरनाक बंदा, एक बार में ही माइकल को एकदम गिरा के एकदम नीचे एकदम चित्त कर दिया था। और ये बाइक देखो मेरा, ये बाइक नीचे कमेंट करके बताना कि बाइक ये कैसी लग रही है, आई होप आपको अच्छी लग रही हो, मुझे भी अच्छी लग रही है। और इसी बाइक से हम लोग जाने वाले, और हो सके तो भाई उसको सबक भी सिखाएंगे, भाई ऐसा नहीं करते ऐसे नहीं करते। और मेरे कुछ दोस्त लोग भी हैं जैसे कि एवेंजर्स के टीम है, उन लोग अगर मैं नहीं हरा पाता तो उन लोग को भी मैं ज़रूर बुलाऊंगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि उन लोग को बुलाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा होगा तो जल्दी से जाओ जाकर चेकआउट करो, और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो जाओ जाके चेकआउट करो। A few minutes later, पता नहीं कहा है बट आज का मौसम एकदम काला काला हो रहा है, पता नहीं सिलेंडर मैन जब से मेरे पल्लू में आया पता नहीं जब से सिलेंडर मैन हमारे नजरों में आया है तब से हमारे साथ गलत ही सीन हो रहा है, कभी माइकल किडनैप हो रहा है तब से मौसम खराब हो रहा है, फिर कभी ना कभी माइकल गायब हो रहा है, फिर कभी ना कुछ गलत सीन हो ही रहा है। तो यार मैं बता रहा था ना, ये वाली बाइक बहुत ही कमाल की है, देखो रात में इतनी खतरनाक सी चमकती है, पता नहीं क्या ही है सीन इसका भी बाइक का, एकदम खतरनाक सी चमक रही, एकदम ब्लू ब्लू एकदम अजीब टाइप की। फिर आजकल बंदे बहुत ही कम आ रहे हैं यार, देखो बहुत ऊपर कम आ रहे हैं, मतलब कि पहाड़ियों में तो बहुत ही कम चढ़ रहे हैं, लगता है सिलेंडर मैन का कुछ ज़्यादा ही इसका अफवाह बढ़ रहा है, दिन ब दिन इसका बढ़ते चला जा रहा है। जब अपन देखे ना पहली बार तो अपन भी हिल गए थे। दोस्तों यही है टनल, इसके पार हम लोग को सिलेंडर मैन का घर देखने के लिए मिलेगा, उसका घर नहीं उसका अड्डा देखने के लिए मिलेगा। और बताया जा रहा है कि सिलेंडर मैन का बहुत सारे वो भी है यार, ग्रुप भी है, बट हम लोग को तो दिखाई नहीं दिए थे, पता नहीं क्या सीन है, उसका भी ग्रुप भी है पता नहीं क्या है। बट हाँ चलो यार इसके अंदर से चलते हैं, भाई बहुत ही डर लग रहा है मेरे को, तो बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है भाई। ओ भाई वो यार पहाड़ों में आ गए, और इधर ही कहीं है उसका अड्डा। ओ हो मिल गया भाई, देख लो यहीं पे है। तो चलो यार चलते हैं अंदर, देखते पता नहीं क्या है, आई होप यार आदमी तो है भी नहीं यहाँ पे, मुझे पता ही होगा यहाँ से पूरे लोग गायब रहते हैं, और कभी कभी पुलिस भी आती है ना तो उन लोगों को भी भागना पड़ता है यहाँ पे इसके डर से, पता नहीं क्या ही है डर यार। मैंने पिछली बार मुझे याद है मैं यहीं से गया था, वो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, इस बार मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और टॉर्च जल्दी से निकाल लेता हूँ, तो मैंने तो टॉर्च निकाल लिया, जो कि इतनी खतरनाक बाइक है, मेरे को बाइक से ज़्यादा माइकल का चिंता होना चाहिए, बट मुझे बाइक के ज़्यादा चिंता है कोई ले ना जाए यहाँ पे। तो यार यहाँ से हम लोग चलते हैं, भाई कहीं और से चलना पड़ेगा यार, बहुत ही खतरनाक सीन यहाँ पे हो रहा है। ओके यहाँ से भी जा सकते हैं हम लोग। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना फैक्ट्री का जितने भी खरगाने थे काम होते थे, बट अभी सब बंद है सिलेंडर मैन के चक्कर में, इसने सबको भगा दिया होगा यहाँ से। भाई बहुत ही डर लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या ही हो जाए। सिलेंडर मैन कोई है क्या यहाँ पे, कोई भी है क्या, सिलेंडर मैन भाग गए क्या, कोई है नहीं क्या यहाँ पे, अरे कोई है क्या। मैं पागल हूँ क्या, मैं सिलेंडर मैन को बुला रहा हूँ। ओ भाई ट्रेन गई, मालगाड़ी ट्रेन जा रही है यहाँ पे, ट्रेन जब भी आती है ना तो सिलेंडर मैन देखा गया कि ट्रेन के ऊपर से निकलता है, बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, पता नहीं क्या सीन है। और एक सेकेंड वहाँ पे भी क्या जल रहा है लाल लाल, भाई वो क्या सीन है यार, लाल लाल जल रहा है एकदम, पता नहीं क्या सीन है यार, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। बट मैं अपने दोस्त के बिना कैसे जाऊँगा, माइकल तुम है क्या, जल्दी बता दे माइकल, कोई भी होगा तो बता दो, माइकल तुम हो तो बता दो मुझे, मुझे अभी इतने देर हो गया बट माइकल मुझे दिख नहीं रहा कहीं भी, मुझे जो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि माइकल है कहाँ, कोई ना कोई तो होगा माइकल, अरे माइकल कहीं होगा तुम। ओ मुझे माइकल मिल गया, देखो वहाँ पे आओ माइकल, अरे माइकल तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये क्या कर रहे हो तुम, चलो मैं तुमको लेने आया हूँ, जल्दी से चलो यहाँ पे, क्या लगता है मुझे सिलेंडर मैन यहाँ पे नहीं, बाहर गया वो, जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो, अरे कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोलो जल्दी, अरे गाइस इसका आग भी एकदम काला हो रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है तुमको, कुछ समझ में आ रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। अरे ये कौन बोला, तुम बोले क्या, ऊपर देखो ऊपर, ये कौन है रे, अरे भाई तुम यहाँ पे हो सिलेंडर मैन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो,
अरे भाई साहब गायब हो गया सिलेंडर मैन, ये कहाँ चला गया? अरे भाई तुम यहाँ पे फिर से कैसे आ गए? अच्छा तुमको करना है क्या यार? माइकल भी ऐसा क्यों है? मेरा दोस्त भी ऐसा हो गया, तुम्हारी वजह से क्या हो गया? तुम जल्दी से बताओ मेरे को। देखो मैं तुमको बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मेरी बहुत ही बड़ी मजबूरी है। मजबूरी? मजबूरी किस चीज़ की? तुमको कोई मजबूरी नहीं है, तुम बस मैं कल आया तुम्हारे से मिलने के लिए और तुम मुझे मारने लगे हो। माँ भाग बोले कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखो वो मेरी मजबूरी थी, मैं नहीं मारना चाहता किसी को, मेरे साथ बहुत ही गलत सीन हो रहा है। गलत उलत तो सीन ठीक है, पहले मुझे ये बताओ मेरा दोस्त ये क्या कर रहा है, पगला हरकत? अरे वो मेरे वश में है, मुझे सबको वश करना आता है, मैं किसी को भी वश कर सकता हूँ, तुमको भी। बट मुझे तुम पे बहुत पहले से नज़र थी, मैं तुमसे एक काम कराना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा मदद कर दो। मैं और क्या ही बोल सकता हूँ, मुझे मदद तुम्हारी करनी पड़ेगी। बोलो 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 क्या मदद चाहिए तुमको मेरी? तुमको मेरी मदद चाहिए? वाओ। मुझे तुम्हारा जो प्रेसिडेंट मतलब तुम्हारा जो सरकार है मुझे वो चाहिए, मुझे उसको मारना है किसी भी कीमत में, क्योंकि वो हमेशा ये सब भूतों को और हमारे जैसे आदमी लोग को ख़त्म करने के लिए पुलिस भेजता रहता है और हम लोग कहीं भी रह नहीं पाते, हम लोग छिप के भागते रहते हैं। एक सेकंड, तुम चाहते हो कि हम लोग तुमको सरकार मतलब प्रेसिडेंट ला के दे? What the hell is man? तुमको वो पता था कितने बड़े आदमी है? मुझे वो मतलब नहीं, अगर तुम मुझे वो लाख दोगे तो तुम्हारा माइकल ठीक हो जाएगा, वरना ये मेरे कब्जे में रहेगा। अरे ये कैसा शर्त है भाई, मतलब कि मैं तुमको नहीं लाके दूंगा तो तुम माइकल को नहीं छोड़ोगे? पर तुम बात तो सही कर रहे हो। हाँ ये बात तो सही है, वो बहुत ही बदमाश है, हम लोग को भी ढंग से रहने नहीं देता, हम लोग भी चोर चौके करते रहते तो वो हम लोग को भी बहुत ही ज़्यादा मारता रहता है, पुलिस भेजता रहता है और बहुत ज़्यादा जुल्म देता है और बहुत ही ज़्यादा पैसे भी हाई कर दिया। हम लोग तो गरीब होते चल जा रहे दिन में। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ना रह सकता हूँ, ना खा सकता हूँ, ना पी सकता हूँ, लोगों के मार मार कर मैं जी रहा हूँ। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं सुखी सुखी रहने लगूंगा और मैं कोई भी लोगों को मारूंगा नहीं और कुछ भी काम नहीं करूंगा। भाई बात तो ये भी सही कर रहा है, अगर मैं इसका काम कर दूंगा तो मेरा भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। चलो सिलेंडर मैन ठीक है, मैं तुम्हारा काम तो कर दूंगा बट उसके बदले तुमको माइकल को अभी छोड़ना पड़ेगा, इसी के साथ मैं मिल करके ये काम कर सकता हूँ। चलो ठीक है माइकल तुम जा सकते हो इसके साथ, मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, बट याद रखना अगर तुम मेरा काम नहीं कर सकते तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मेरे साथ क्या हुआ था? हैंग गॉड तुम्हें होश आ गया, तुमको पता है सिलेंडर मैन ने हमें बहुत जरूरी काम दिया है। अरे वो सिलेंडर मैन ना, हाँ वो मुझे बेहोश करके पता नहीं क्या कर रहा था, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे और उसने क्या काम दिया है? अरे वो तुम उसके कब्जे में थे उतना देर से माइकल, तुम नाच रहे थे गा रहे थे, पता नहीं क्या क्या अजीब से हरकत करते हो, उसने मुझे प्रेसिडेंट को मारने के लिए कहा, अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो वो हम दोनों को मार देगा। अरे फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही खतरनाक वाली बात हो गई, अगर हम लोग नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देगा। बट हाँ ये बात तो उसने सही की, प्रेसिडेंट को मारना ही पड़ेगा, वो बहुत ही बदमाश है, हम लोग से भी बहुत ही ज्यादा बदमाशी तरीके से पेश आता है और हमें कुछ समझता नहीं है, चोर चौकी वाले लोगों को तो बहुत ही जल्दी जेल में डाल देता है। सो गाइस नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है कि हम लोग क्या प्रेसिडेंट को मारे कि नहीं मारे, क्या इसका हम लोग थर्ड पार्ट निकाले कि नहीं निकाले सिलेंडर मैन का। सिलेंडर मैन तो बोल दिया कि अगर हम लोग प्रेसिडेंट इसको ला के दे देंगे तो ये हमें छोड़ देगा, बट आपका क्या राय नीचे कमेंट करके बताइएगा और अगर हो सके तो हम लोग जल्दी से जल्दी इसका थर्ड पार्ट लाने का कोशिश करेंगे।